नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2018 तक जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो ये पार्ट टू होगा, इंडियन पॉलिटी का पार्ट एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है जिसमें हमने 2012, 2013, 2014 के प्रश्नों को डिस्कस किया। अब उससे आगे हम जो है बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो 2015 में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें हम जो है देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और इसमें जो है मैं थोड़ा तेजी दिखाने का प्रयास करूँगा, काफ़ी कमेंट इसको लेकर के आप लोगों का आया, ठीक है। तो आप भी प्रश्न देखिए और तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? दिल्ली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कौन है? तो देखिए, इसका उत्तर है सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो इसका उत्तर जल्दी बताएं, ए बी सी डी, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये जो है व्यक्ति का के लिए कर्तव्य नहीं बताया गया है, ये किसके लिए कर्तव्य बताया गया है? राज्य के लिए कर्तव्य बताया गया है। राज्य का ये एक नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 40, ठीक है। राज्य का नीति निदेशक तत्व है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद, नहीं। इसका उत्तर बताइए ए बी सी डी में से। इतना जो है हैवी पावर कौन जो है वहन कर सकता है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, संसद। देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता संसद की, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता राज्यों के विधानमंडलों की, और जो है समवर्ती सूची पर दोनों, यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया राज्य विधानमंडल का कानून यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में खड़ा है, उसके प्रतिकूल है, तो वो जो है अमान्य हो जाएगा। और इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त कोई भी विषय होगा या कोई भी कर होगा तो उसकी अधिकारिता किसकी होगी? संसद की होगी, उस पर कानून बनाने की। उसे अवशिष्ट सब्जेक्ट के तहत रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत में महान्यायवादी, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह होंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के सीजीआई जो है उस पद पर बैठेंगे। अगर सीजीआई भी नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उस पद पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम जज बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। कूट, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए तथा आर दोनों सही है। तो इसमें से क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, ए तथा आर दोनों सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो और उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
जो भी पहले हो तक ये जो है होता है। तो इसका उत्तर होगा डी 58। आगे आते हैं 59। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से जो है क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह तो पक्की बात है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो यह भी तय है। राज्य वित्त आयोग जो है बना ही है इसके लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है मेरे हिसाब से जो है बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से तो ये इसका स्पष्टीकरण नहीं लगता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। तो इतना समझ, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो है अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 100 है, इसका उत्तर सी है, ठीक है। तो जब बराबर स्थिति होगी तभी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, ठीक है। देखिए, अब इसमें एक विषय समझ लीजिए कि ये बार 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 पूछा जाने वाला है, तो इन सबको जो है अलग से समझना चाहिए आपको। सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी करता है, तो 61 का होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध रूप से अगर किसी को बंदी बना लिया जाए तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में लिखित संविधान है। कारण, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें से बताइए जल्दी से। इसमें से ए और आर दोनों सही है, इसका भी उत्तर बी है, लेकिन स्पष्टीकरण, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भारत का संविधान लिखित है निश्चित रूप से, और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत बलशाली हो रहे हैं, इसीलिए क्षेत्रीय जो है दलों का विकास हो रहा है, ये तो एकदम ठीक है। अगला, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आप, जैसा कि अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कितना रिपीटेशन चल रहा है। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। इसकी अधिकारिता राष्ट्रपति को है और संयुक्त जो बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं आहूत की जा सकती। तो 63 का उत्तर है ए, ठीक है। अब अगला देखें। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्मांतरण की स्वतंत्रता, धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1), ठीक है। ये विदेशियों को तो नहीं ना दे सकते हैं, नहीं विदेशी जो है
कुछ ना कुछ आप यहां जो है बोलने लगेंगे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो अब ये ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से पढ़ के जल्दी से बताइए कि कौन सा जो है सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा सी। ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, निश्चित रूप से है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ठीक है, इस पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ही इसको देखता है। ठीक है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13, ए बी सी डी। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो 66 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो एकदम संघीय नेचर, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी, इकहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, अमेरिका वगैरह में जो है दोहरी नागरिकता है, एक स्टेट की भी नागरिकता है और एक जो है देश की भी नागरिकता है। ठीक है, तो ये इसका सी होगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ए बी सी डी। तो देखिए इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी 1971 में, लेकिन लोकायुक्त अधिनियम 1970 में ही उड़ीसा राज्य लेकर के आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन। अब देखिए ये ऑप्शंस एकदम करीब करीब कर दिए गए और उसके बाद ये खतरनाक शब्द लिख दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एक डेंजरस शब्द है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2003, और छोटे राज्यों के लिए अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12। अगला, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तमाम तरह की परीक्षाओं में तमाम बार ये पूछा गया। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, अब ये बताइए बी और डी दोनों में ऑप्शन एक ही डाल दिया गया। अब ये बहुत योग्य व्यक्ति इसको टाइप किए हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक आप मान सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं, 71, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। सेम यही क्वेश्चन आपने इस लेक्चर के पहले पार्ट में भी देखा था। ठीक है, देखिए एकदम सेम प्रश्न ही रिपीट हो गया, कोई बदलाव नहीं। अनुच्छेद 331 द्वारा, अनुच्छेद 221 द्वारा, अनुच्छेद 121 द्वारा, अनुच्छेद 139 द्वारा। तो 71 का उत्तर है अनुच्छेद 331 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 331 द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? थोड़ा सा केवल बदला गया है, मूल संरचना लिख दिया गया है, मूल ढांचा के जगह पे जो है बाकी वही है। ठीक है, ये भी प्रश्न जैसा कि मैंने बताया पहले आपने देखा कि पूछा जा चुका है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका उत्तर यही है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 72 का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं,
संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो जाहिर सी बात है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे आदेश जारी किए जाते हैं। हालांकि संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यह भी रिपीटेड है। लोकसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य, यहां निर्वाचक के जगह निर्वाचित होना चाहिए। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो क्या पूछा जा रहा है? निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं में, ये जो है केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी के भी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में शामिल है। देखिए हूबहू वही प्रश्न उठा लिया गया, यहां तक कि ऑप्शंस भी नहीं बदले गए। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, डी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो ये 2015 के प्रश्न जो है समाप्त हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत रिपीटेशन इसमें था। अब 16 पे आते हैं, अब ये प्रश्न कठिन हो गया। ठीक है, अभी तक 15 में सारे आसान। अनुच्छेद 249 के खंड एक के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? कितने होना चाहिए? ठीक है, बड़ी गलती है। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। ठीक है, इसका उत्तर बताइए। ये एक टफ क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर जो है आप बताइए। तो देखिए ये बात क्या की जा रही है, ये विषय जो है कि राज्यसभा को ये एक अधिकारिता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके जो है किसी राज्य सूची के विषय को ये घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में इस विषय पर जो है संसद को कानून बनाने की अधिकारिता होगी। ये राज्यसभा के पास अधिकार है। ठीक है, यही बात जो है 249 के खंड एक में बताया जा रहा है। लेकिन राज्यसभा का ये जो पारित संकल्प है ये 1 वर्ष तक मान्य रहता है। तो इसका उत्तर होगा 76 का डी। आगे बढ़ते हैं, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंध में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति, विधायिका तथा कार्यपालिका, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो इसका उत्तर है सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है विधायी संबंधों के लिए रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में जो है ये आयोग बना था। अगला, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है और इसलिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि संसद कई परिस्थितियों में जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एक तो ये जो अभी हमने राज्यसभा के संकल्प वाली बात की, दूसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, उसको लागू करवाने के लिए, उसके अलावा आपात काल के दौरान ये जो है कर सकती है। ठीक है, तो इसमें से अनुच्छेद पूछा जा रहा है, ये कठिन प्रश्न हो जाएगा क्योंकि सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 253। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। ठीक है, ए बी सी डी, इसका उत्तर बताइए।
तो देखिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है प्रावधान किया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसका उत्तर है सी। ठीक है, अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, देखिए 15 में भी और फिर गोलकनाथवाद, सज्जन सिंहवाद, शंकरी प्रसादवाद, केशवानंद भारतीवाद, तो निश्चित रूप से 81 का उत्तर है डी, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना की बात करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, ए बी सी डी, इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है बी, राज्य विधानमंडल। ठीक है, अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये ध्यान से देखते रहिए कि पंचायती राज से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केवल जो है एक वर्ष के पेपर में, मतलब एक ही पेपर में कितने प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ये भी पीछे पूछा जा चुका है, सेम वही ऑप्शन, वही उसी तरीके से, संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9, 6, 3, 4, तो इसका उत्तर है 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 84, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, देखिए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं की गई होगी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, तो उत्तर बी। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, जी वी के राव, बी आर मेहता, एल एम सिंघवी, ए बी सी डी, जल्दी उत्तर बताएं। तो बी आर मेहता को जो है, बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। 1957 में इन्हीं के नेतृत्व में आयोग बनाया गया था और इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ए बी सी डी ऑप्शंस पढ़िए और बताइए कि कौन सा होगा इसका। तो देखिए इसका होगा ए, ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों इस कहा इसे जो है आत्मा, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का यह प्रावधान करता है, तो 86 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए यह भी पंचायतों से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तो इसका उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 83वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आगे 88, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों, वहां निवेशकों लिख दिया गया है, निदेशकों, ठीक है, निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21, 15, 11, 7, तो 21 हो सकती है। यह भी प्रश्न तमाम बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो अधिकारिता है कि कितने निदेशक होंगे, ये अधिकारिता राज्यों के विधानमंडलों की के पास है, अभी की जो स्थिति है वो बढ़ा घटा सकते हैं, अभी की जो स्थिति है उसमें 21 अधिकतम और न्यूनतम जो है 9 होते हैं निदेशक। ठीक है, अगला, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो देखिए ये तो लगता तो है कि इसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती होगी,
लेकिन सच्चाई ये है कि इसका उत्तर बी है और संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही नए राज्यों का सृजन हो जाता है। ठीक है, अगला, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न, लोकसभा राज्यसभा, तो ये आप समझ रहे हैं आसान हो गया प्रश्न, इसका कोई मतलब ही नहीं है। संसद, ठीक है, और ये संशोधन करने वाला एक कानून बनाने और संशोधन करने का तो काम ये करते नहीं है, इनका काम क्या है? कानून का निर्वचन करना, तो निश्चित रूप से सी, संसद। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था ये। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? ये भी तमाम ऑप्शंस बदल बदल के जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 51, जिसमें कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों के लिए जो है कि अभिवृत्ति करेगा। 92, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, तो एक बार इसको जो है आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ठीक है, कि क्या मामला है, तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो एक आ तो तीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम तो ऑप्शन जो है सी चला गया और डी चला गया, अब बचा है ए बी, इसी में से जो है देखना है। ठीक है, तो अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग तो 2 है, 280। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है, ए का 3, भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक 148, बी का 2, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सी का 4, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 और डी का 1, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, इसका उत्तर जो है जल्दी से बताएं, तो भारत का महान्यायवादी इसका उत्तर है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की पूरी एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक सेम ही पेपर है, उसी वर्ष पूछा गया है, पिछले ऑप्शन में आपने वित्त आयोग देखा था। ठीक है, अब उसी तरह का फिर से जो है यहां पर ऑप्शन लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर वित्त आयोग को ही लें जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है, तो आप देखेंगे कि यहां भी केवल ए और बी रह गया आपको जो है उत्तर देने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसको समझ लीजिए कि संविधान संशोधन जो है वो 368 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत फेमस है ये चीज़, और भले आपको न याद हो, तो अगर ए का 4 होता है तो उत्तर क्या मिलता है? देखिए, ए का अगर 4 होता है, ठीक है, ए का अगर 4 होता है तो हमें पता है, और कहीं नहीं है तो इसका जो है उत्तर, सॉरी, बी है। ठीक है, ए का 4, संविधान संशोधन 368, बी का 3, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सी का 1, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और डी का 2, अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312। ठीक है, अगला, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती? अगर वो कुछ नहीं करते तो पारित मान लिया जाएगा कितने दिनों के बाद? देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को शक्ति नहीं है और इसका उत्तर है 14 दिन। पारित करें ना पारित करें, जो मर्जी वो करें, पारित मान लिया जाएगा। ठीक है,
अगला, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री। निश्चित रूप से आप जो भी देख रहे हैं इसमें से आपको उत्तर मिल जाना है। अगर यहाँ पे संसद लिख दिया गया होता किसी ऑप्शन में तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। तो इस प्रकार से जो है हमने 2015 और 16 के पेपर को जो है इस लेक्चर में देखा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।